सो हे गाइस, वेलकम टू स्टडी स्किल सक्सेस। देन गाइस, स्टेट काउंसलिंग की स्टूडेंट्स को काफी दिनों से वेट थी। देन फाइनली महाराष्ट्र स्टेट की जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो रही है और उसका जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है वो रिलीज कर दिया गया है। यानी कि पूरी की पूरा जो शेड्यूल है नीट यूजी काउंसलिंग 2020 का लिया एमबीबीएस और बीडीएस के लिए वो अनाउंस कर दिया गया है। तो उसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्पेशली महाराष्ट्र रीजन के स्टूडेंट्स के लिए, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो बात करते हैं, सबसे पहले ये जो नोटिस है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा रिलीज किया गया है। एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीपीटीस, बीओटीएच, बीएएसएलपी, बीपीएनओ और बीएससी नर्सिंग के लिए, इन सभी के लिए है। और इसका जो रिजल्ट है वो 16 अक्टूबर 2020 को रिलीज कर दिया गया था नीट का। उसके बाद जो आपको इंपॉर्टेंट डेट्स दिख रहे हैं नीचे की तरफ वो है कि इसका जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है वो पब्लिक किया गया था 4 नवंबर 2020 को, ठीक है। और जो पब्लिकेशन ऑफ सीट मैट्रिक्स है वो 5 नवंबर 2020 यानी कि आज। और आपके जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है और पेमेंट है वो 5 नवंबर 2020 यानी कि आज सुबह 11 बजे से स्टार्ट हो गए हैं और ये 12 नवंबर 2020 शाम 5 बजे तक रहने वाले हैं। यानी कि आपकी जो आप जो इसमें रजिस्ट्रेशन है और पेमेंट है वो 5 नवंबर 2020 यानी कि आज से लेकर 12 नवंबर 2020 शाम 5 बजे तक कर सकते हैं। उसके बाद 6 नवंबर 2020 से 13 नवंबर 2020 के आप एमबीबीएस और बीडीएस कोर्स के लिए ऑनलाइन चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, ठीक है। आज आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कल से आप अपनी चॉइस फिलिंग भी कर सकते हैं। कल से आप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं और उसके साथ साथ चॉइस फिल भी कर सकते हैं, ठीक है। जो चॉइस फिलिंग का आपको ऑप्शन मिलेगा वो 6 नवंबर 2020 से 13 नवंबर 2020 तक मिलने वाला है। और 13 नवंबर 2020 तक अगर आप चॉइसेस को लॉक नहीं करते हैं तो वो ऑटो लॉक हो जाएगी, ठीक है, इसमें ऐसा सिस्टम होता है। उसके बाद आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो 13 नवंबर 2020 को सुबह 8 बजे रिलीज कर दी जाएगी। उसके बाद जो इसका राउंड फर्स्ट है, ठीक है, आपके राउंड फर्स्ट का जो रिजल्ट है वो 15 नवंबर 2020 को शाम 5 बजे और लास्ट डेट ऑफ जॉइनिंग जो है वो 20 नवंबर 2020 शाम 5 बजे तक रखी गई है फर्स्ट राउंड के लिए एमबीबीएस और बीडीएस के लिए, ठीक है। और शेड्यूल जो है वो बीएएमएस, जो बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस है इनका बाद में रिलीज किया जाएगा। अभी तक कोई भी इसका शेड्यूल जो है वो अनाउंस नहीं किया गया है। अभी तक जो इन्फॉर्मेशन आई है उसके हिसाब से इतनी ही इन्फॉर्मेशन दी गई है। कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दी गई है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो फिल करना है। उसको फिल करने के बाद आपकी पेमेंट होगी, पेमेंट करने के बाद आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उन सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद जो आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक स्लिप मिलेगी, प्रिंटआउट स्लिप, स्लिप को आपको प्रिंटआउट करके फर्दर जो फ्यूचर इन्फॉर्मेशन के लिए रख लेना है, ठीक है, फ्यूचर बेनिफिट के लिए आपको रख लेना है। क्योंकि जैसे ही आपको सीट अलॉट होगी तो उस टाइम ये स्लिप आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। उसके बाद और भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है जो नॉर्मल बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है कि आपकी जो फोटो है वो कितने केबी की होनी चाहिए, सिग्नेचर कितने केबी की होनी चाहिए। वो इन्फॉर्मेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन तब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जब हम खुद पर्सनली अपनी चॉइस फिल या फिर पर्सनली अपना जो फॉर्म है वो फिल करते हैं। अगर आप साइबर कैफे से फिल करवाते हैं तो उनको ऑटोमेटिकली ये जो इन्फॉर्मेशन है वो पता होती है, ठीक है गाइस। देन महाराष्ट्र काउंसलिंग नीट यूजी 2020 एमबीबीएस और बीडीएस के लिए स्टार्ट हो गई है, तो आप अपने रजिस्ट्रेशन जो है वो आज से ही कर सकते हैं। कल से आप अपनी चॉइसेस फिल कर सकते हैं 13 नवंबर 2020 तक। 13 नवंबर 2020 तक अगर आप अपनी चॉइसेस को लॉक नहीं करते हैं तो वो ऑटो लॉक हो जाएगी और आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो नेक्स्ट स्टेप के लिए ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है। सीट अलॉटमेंट, बाकी रिजल्ट्स वगैरह की पूरी इन्फॉर्मेशन आप सभी को दे दी है। बाकी किस प्रकार रजिस्ट्रेशन करना है उसको लेकर एक डिटेल्ड वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दिया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से वो वीडियो देखिए और आराम से अपने रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कीजिए। देन कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम अकाउंट मिल जाएगा, मेरे व्हाट्सएप नंबर मिल जाएंगे, वहां से मुझे सीधे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है गाइज। देन ये थी आज की इन्फॉर्मेशन, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। देन वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आगे भी इस चैनल पर आप सभी को मिल सके। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।